हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हो भाई सब। जस्ट टेक सिनेमा अपडेट्स के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज एपिसोड नंबर 246। तो चलो शुरू करते हैं फिर। आज की हमारी सबसे पहली अपडेट है थलापति विजय की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी से, जहां मूवी के फर्स्ट सिंगल की डेट्स रिवील कर दी गई है। मूवी का पहला सिंगल आज शाम को 6 बजे ड्रॉप हो चुका होगा। अब इस अनाउंसमेंट पोस्टर के साथ साथ एक प्रोमो भी ड्रॉप किया गया था। अब आपको ये 20 सेकंड का प्रोमो देखना है या फिर डायरेक्ट सॉन्ग सुनना है वो आप डिसाइड करो, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे गोट का सॉन्ग ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका होगा। नेक्स्ट अपडेट है अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2 द रूल से। तो मूवी मेकर्स डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए RRR से भी ज्यादा पैसे डिमांड कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज के लिए, और यही की रीजन है कि पुष्पा 2 की मार्केटिंग इतनी जल्दी शुरू हुई है। और अप्रैल के स्टार्टिंग में पूरा मास जथारा का फेस्ट रखा गया ताकि वो लोग मूवी को हाइप अप कर सके, जिसको देख के डिस्ट्रीब्यूटर्स मूवी के राइट्स के लिए ज्यादा पैसे दे। मेरे ओपिनियन से काफी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है इनकी। आगे बात करें तो एक कास्टिंग अपडेट है रामायण मूवी से, जहां एक्टर अजिंक्य देव को कास्ट किया गया है रामायण मूवी के अंदर विश्वामित्रा के किरदार के लिए। बाकी मूवी की अनाउंसमेंट डेट पास आ रही है, जहां ये रूमर्स बहुत पहले से आ रहे थे कि 17 अप्रैल को मूवी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना है। अब ज्यादा खुश होना मत, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है इस चीज की। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, वरना हमें और इंतजार करना पड़ सकता है। अगली खबर आ रही है लोकेश कनगराज की अपकमिंग मूवी से, जहां काफी सारे रूमर्स आ रहे थे कि आज लोकेश कनगराज की नेक्स्ट मूवी का टाइटल अनाउंसमेंट होने वाला है। और हां, यहां पर थलाइवर 171 की बात नहीं हो रही है, यहां किसी और प्रोजेक्ट को लेके हैवी रूमर्स आ रहे हैं। अब ये रूमर सही है या नहीं ये आपको अभी तक ऑलरेडी पता चल गया होगा, और अगर नहीं पता चला है तो सब्सक्राइब कर लो, कल की वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। बाकी थलाइवा 171 मूवी का टाइटल 22 अप्रैल को ड्रॉप होगा। नेक्स्ट अपडेट है राजकुमार राव और जानवी कपूर की अपकमिंग मूवी से। जी स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शन की मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही स्टारिंग राजकुमार राव एंड जानवी कपूर नेक्स्ट मंथ के एंड यानी कि 31 मई को रिलीज होने वाली है। बेसिकली ये एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर मूवी होगी, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है शरण शर्मा ने, जिन्होंने इससे पहले एक मूवी डायरेक्ट की है और वो है गुंजन सक्सेना। अब जानवी कपूर की बात हो ही रही है तो उनकी एक और मूवी से अपडेट है। तो जानवी कपूर की उलझ मूवी करंटली पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में है, और मेकर्स प्लान कर रहे हैं 5 जुलाई की रिलीज डेट को। उलझ बेसिकली एक पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी होगी, जिसके लीड में होगी जानवी कपूर, और उनके साथ एक मेल डोमिनेटेड कास्ट भी इस मूवी का पार्ट होगी। नेक्स्ट अपडेट है जियो स्टूडियोज की अपकमिंग मूवी से, जहां जियो स्टूडियोज के बैनर के अंडर इस बार एक कन्नड़ा मूवी बनी है, साथ ही ये पहली कन्नड़ा फिल्म होगी जियो स्टूडियोज की। मैं बात कर रहा हूँ कोटी मूवी की। तो इस मूवी का टीजर ड्रॉप हो चुका है, जिसको आप YouTube पे देख सकते हो। ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी होगी, जो कि रिलीज होने वाली है इसी साल 14 जून को। अगली खबर आ रही है ओमकार कपूर और मनोज जोशी की मूवी ला वास्ते से। तो मूवी अब OTT के ऊपर आ चुकी है, आप इसे Zee5 के ऊपर देख सकते हो। इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका कॉन्सेप्ट, जहां मूवी अनक्लेम्ड बॉडीज के सेंसिटिव सब्जेक्ट को कवर करती है। साथ ही आज के जमाने के लोग अपने ओल्ड पेरेंट्स के साथ जो बुरा बर्ताव करते हैं उस सब्जेक्ट को भी ये फिल्म कवर करती है, जिसके लिए इस मूवी को कांस फिल्म फेस्टिवल पर भी प्रीमियर किया गया था। नेक्स्ट अपडेट है पीपल मीडिया फैक्ट्री की तरफ से। तो कल हमने आपको बताया था कि आज पीपल मीडिया फैक्ट्री के प्रोजेक्ट PMF 36 का अनाउंसमेंट होना था, लेकिन एक्चुअली इन लोगों ने इस मूवी के अनाउंसमेंट डेट को अनाउंस करने के लिए एक अलग से अनाउंसमेंट डाला है। इतनी मार्केटिंग तो भाई कल की वाले भी नहीं कर रहे हैं यार। खैर, एक पोस्टर शेयर किया गया है इस अनाउंसमेंट पोस्ट के साथ, और मूवी को कल अनाउंस किया जाएगा। इनसाइडर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग PMF 36 के लीड में हमें तेजा सज्जा दिखेंगे, जिनको आपने इससे पहले हनुमान मूवी के अंदर देखा था। साथ ही इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे कार्तिक गत्त मनेनी, जो कि रवि तेजा की ईगल मूवी को डायरेक्ट करने के बाद काफी ज्यादा चर्चा में है। नेक्स्ट अपडेट है होम वाले फिल्म्स की नेक्स्ट मूवी बघीरा से, जहां डायरेक्टर प्रशांत नील ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए हैं मूवी के अंदर, जिसकी वजह से बघीरा मूवी के पैचवर्क शूट्स एक्सटेंड हो गए हैं। और आज से वापस मूवी के पैचवर्क शूट्स स्टार्ट होंगे और अगले 10 दिन तक चलेंगे, और इसके बाद भी एक दो शेड्यूल्स में मूवी के पैचवर्क और रिमेनिंग शूट्स को कंप्लीट किया जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 1 से 2 महीना चलेगा। इसके अलावा 7G फिल्म्स और सुरेश प्रोडक्शन की तेलुगु मूवी शब्दम का ऑफिशियल टीजर आ चुका है। टीजर मुझे काफी अच्छा लगा, और देख के तो मूवी काफी डार्क लग रही है। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है अरिवाज गन ने। वैसे ये मूवी एक साउंड हॉरर मूवी होने वाली है। अगर आप इंडिया की हॉरर मूवीज में इंटरेस्टेड हो तो ये मूवी आपको कुछ नया दे सकती है। मूवी इसी साल की गर्मियों में यानी कि मई या जून के आसपास रिलीज होने वाली है। अब लास्ट में मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के ऊपर एक नजर डाल देते हैं। तो मैदान मूवी ने अपने Day 3 पर बढ़िया फाइट बैक किया है, जहां मूवी ने Day 3 पर ऑलमोस्ट 6 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है इंडिया में, क्योंकि Day 1 और Day 2 दोनों से बेटर है। वहीं बड़े मियां छोटे मियां मूवी ने भी अपने Day 3 पर अपने Day 2 से बेटर परफॉर्म किया है, जहां Day 3 पर मूवी ने ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है इंडिया में। ओके, देन आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करते रहना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ कल शाम को 7 बजे। दिस इज जय सिने वॉचिंग जस्ट टेक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।